जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी एक एक करके देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर वैकेंसीज एंड अपॉइंटमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हो टू फिल 1500 पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन मेट और आपकी असिस्टेंट लाइनमैन के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपके कुल 1500 पद जारी किए गए हैं। तो जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन यहाँ से ओपन करते हो तो आपके सामने ये PDF आ जाएगा, जहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानकारी चेक कर सकते हो कि किस पद पर आपको एग्जैक्टली कितनी सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर आपके किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं, तो आप ये कन्फर्म कर सकते हो। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अनुसार अभी तक इन्होंने आपको एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कब तक आप इसमें फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो या फिर जो आप की अन्य एलिजिबिलिटी की जानकारी है वो क्या रहने वाली है, पर यहाँ पर मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके जो लास्ट ईयर का आपका PDF था इस भर्ती का, उसके अनुसार मैं आपको देने वाला हूँ। अगर उसमें कोई चेंजेस होता है जब इस भर्ती का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होता है तो मैं आपके लिए एक फिर अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए आप वहाँ से जानकारी ले लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें कितनी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका नोटिफिकेशन है 2018 का और इसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये आपकी जानकारी मैंने यहाँ पर एंटर करके रखी है जिससे कि मैं आपको जानकारी थोड़ा आराम से समझा सकूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके यहाँ पर जो पोस्ट नेम है वो आपके ट्रेड्समैन मेट, असिस्टेंट लाइनमैन और जूनियर ट्रेड्समैन मेट के लिए निकाले गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1500 है और एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपकी हिमाचल प्रदेश होगी, यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी। अगर दोस्तों अदर स्टेट के कैंडिडेट के बारे में बात की जाए कि इसमें अदर स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो दोस्तों जो आपके लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था यानी कि 2018 का था, तो उसमें अदर स्टेट के लोग एलिजिबल नहीं थे आवेदन करने के लिए, पर अभी जो मैंने लेटेस्ट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन सुनी है उसके अकॉर्डिंग इस वाली भर्ती में अदर स्टेट के लोग भी आवेदन कर पाएंगे और ये क्लियर आपको तब होगा जब इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही आपके पास यहां पर इनमें से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि डिजायरेबल में इन्होंने आपको बताया है प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु पोसेस ITI सर्टिफिकेट इन वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड डन थ्रू ए रेगुलर कोर्स, यानी कि आपके पास ITI की योग्यता भी होनी चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ, और जो अन्य जानकारी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि आपके पास अलोंग विद एडवांस मॉड्यूलर कोर्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल ऑफ 6 मंथ इन सेकेंड ईयर इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्रू COE एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई दी HP गवर्नमेंट। ये इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी क्वालिफिकेशन के बारे में जानी है ये आपके लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने दी है। इसमें भी आपकी सेम पोस्ट निकाली गई थी, जैसे कि जूनियर ट्रेड्समैन मेट और जो आपकी अन्य पोस्ट है वो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन के बारे में चेक कर सकते हो। एजेंटियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैट्रिक पास यानी कि 10वीं और जो आपकी एज लिमिट है वो भी यहाँ पर आपके सामने दी जा रही है, और जो बेसिकली आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 18 से 30 साल के बीच होगी। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी और OBC को 3 साल की, पर ये जो छूट मिलेगी ये सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश के निवासी है उन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी। अदर स्टेट के लोग अगर इसमें आवेदन करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। सैलरी आपको टोटल मिलाकर के जो दी जाएगी पर मंथ वो आपकी 7825 रुपये होगी। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी जनरल OBC EWS के लिए 100 होगी और SC ST के लिए 50 होगी। और दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि कब से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो, तो दोस्तों एज पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपका मार्च 2, 2020 के अंदर जारी हो जाएगा और तभी से आप लोग इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर पाओगे, और फिर आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा यानी कि आप अप्रैल 2, 2020 तक आवेदन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर आपको इसके बारे में सभी जानकारी लेकर के आते रहना है, चाहे वो फॉर्म फिलअप की वीडियो हो
या फिर कोई अन्य अपडेट हो तो आपको इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता देना है। अब दोस्तों अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, ताकि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के ये डाउट न रहे कि मैंने आपको कोई गलत जानकारी दी है। तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।